दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो SJDTH यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा LED TV। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इतना हथेली से भी छोटा यहाँ पे मैं आपके लिए LED लाया हूँ। तो दोस्तों किस काम के लिए ये यूज़ होने वाला है, कैसे चलता है, कैसे नहीं, इसका रिव्यू मैं आज आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस LED का मतलब इस LCD का यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली। बस इस वीडियो को देखना है आपको शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दोस्तों आपके लिए हम ऐसे रोज़ाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं व्यू डिजिटल कार व्यू मॉनिटर। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग यहाँ पे आपको ये जब परचेस करना है दोस्तों तो परचेस करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसका मैंने परचेस लिंक दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको एक केबल मिल जाएगा। एक केबल किस काम के लिए होता है पता है? ये केबल होता है दोस्तों इसके अंदर पावर देने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं कुछ यहाँ पे, अभी तुम बोलोगे अडेप्टर क्यों नहीं दिया। दोस्तों अडेप्टर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कार मॉनिटर है, कार में यूज़ होने वाला LED है। तो क्या कार के बैटरी से डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना है तो ये डायरेक्ट ये हो जाएगा। लेकिन इसका यूज़ हम अलग अलग कामों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आगे आपको बताऊँगा किस कामों के लिए यूज़ होता है। तो चलिए साइड में रख देते इसको। और क्या चीज़ मिलती है यहाँ पे इसके अंदर आपको देख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है दोस्तों एक यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल फ़िलहाल तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में आपको खुद ही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका दुनिया का सबसे LED छोटा LED आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इतना प्यारा सा ये छोटा सा LED है। जैसे कि देख सकते हैं आप, अपने इतना छोटा TV कहीं पर भी देखा नहीं होगा। देख सकते हैं इतना छोटा सा LED TV है, आपने अभी तक कहीं पे भी देखा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे इतना बढ़िया सा ये LED TV है और ये यूज़ होता है दोस्तों कार में ज़्यादातर। लेकिन इसका यूज़ हम अलग कामों के लिए भी ले सकते हैं। अभी अलग काम मतलब दोस्तों ये हम यहाँ पे इसका यूज़ जो है तो दोस्तों DTH सेट करने के लिए भी कर सकते हैं। अभी क्या होता है, सेटेलाइट फाइंडर हम लेने जाते हैं तो 5-6 हज़ार का बढ़िया सेटेलाइट फाइंडर लेने जाएंगे तो सेटेलाइट फाइंडर हमें 5-6 हज़ार के रेंज में मिलता है। लेकिन आज आपको आपके सामने छोटा सा मतलब एक LED, तो इसके ज़रिए हम इसके अंदर मतलब इसके पहले मैंने यही LED के ऊपर एक जुगाड़ करके रखा है दोस्तों सेट टॉप बॉक्स, और उसके ऊपर मैंने लगाया दोस्तों LED TV। तो छोटा LED TV उस काम के लिए भी ले सकते हैं। ऊपर के ऊपर सिग्नल आप TV वहाँ पे डाल सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। तो अभी इसका आपको बताता हूँ दोस्तों ये केबल किस काम के लिए होती है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसको रख देते थोड़ा बाजू में ऐसा। अभी ये देखो, ये जो है दोस्तों, एक जो है दोस्तों रेड वाली दोस्तों अपना प्लग, ये जो लगाने के लिए 12 वोल्ट देने के लिए, जैसे ये लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अपना जो दोस्तों पावर यहाँ पे मिल जाती है। और ये दो दोस्तों यहाँ पे हम व्यू इसके LED के अंदर व्यू मतलब वीडियो लाने के लिए आप इसके यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कमी है दोस्तों, वो कमी के बारे में भी आपको बताता हूँ। इसके अंदर कमी ऐसी है कि इसके अंदर आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा। ये दो केबल जो है दोस्तों व्यू के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो यहाँ पे इसके अंदर आपको इनबिल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलग से आपको ऑडियो का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने करके रखा है अलग से जुगाड़। तो दोस्तों वो वाली वीडियो देखी नहीं है अपने तो ऊपर आई बटन, दोस्तों वो आई बटन के ऊपर भी जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इतना प्यारा सा LED TV है दोस्तों, ये आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक दे दिया है दोस्तों, वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप ये वाला TFT मॉनिटर परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह आज का छोटा सा वीडियो छोटा सा LED के साथ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दोस्तों आपके लिए हम ऐसे रोज़ाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहते। तो चलिए दोस्तों मिलते ऐसे एक नए प्रोडक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।